नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, इसके साथ ही कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक बार फिर अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस में अफरा तफरी मचा दी है। बता दें कि हरीश रावत ने अपने फेसबुक पोस्ट में विरोधियों पर निशाना साधा है और अपने खिलाफ चली साजिशों का जिक्र करते हुए पार्टी नेतृत्व से जांच करने की मांग की है। दरअसल हरीश रावत का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हलचल मचा दी है। बता दें कि हरीश रावत ने अपने इस पोस्ट में इशारों में विधायक प्रीतम सिंह और सल्ट में हारे कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत पर हमला बोला और लिखा है कि मैं सभी उम्मीदवारों की हार का उत्तरदायित्व अपने सर पर ले चुका हूँ और सभी को मुझ पर गुस्सा निकालने और खरी खोटी सुनाने का हक है। वही मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में राय दी गई कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, जिसके बाद मैंने रामनगर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और वहीं से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन बाद में जब मैं रामनगर के लिए निकल रहा था, तब मुझे लालकुआ से चुनाव लड़ने की सूचना दी गई। वहीं हरीश रावत ने अपने पोस्ट में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग करने वाले व्यक्ति को किसने पदाधिकारी बनाया, इस पर जांच करने की मांग की। साथ ही उन्होंने किन परिस्थितियों में उन्हें लालकुआ से चुनाव लड़ना पड़ा, इस पर भी पार्टी को मंथन करने की बात कही है।